नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपका हिंदी सब्जेक्ट लेती हूँ। तो स्टूडेंट, हमने हमारा चैप्टर 3 बुद्धि ही बल है वो हमने क्लियर कर लिया। तो याद है सभी को बुद्धि ही बल है उसमें क्या क्या था? तो चलो एक बार हम हमारा रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले बुद्धि ही बल हमें बल है में क्या था कि किसी जंगल में एक शेर रहता था और वो शेर था वो क्या करता था, रोज कई सारे जानवरों को मार देता था और फिर वो खाता था। फिर एक दिन जिराफ ने सोचा कि कल वो मेरी पत्नी को खा गया है और आज वो मुझे मार के खा जाएगा। और ऐसा सोचता था, फिर सभी ने क्या किया, सभी जानवर मिलके शेर के पास गए और फिर शेर के पास उसने बंदर ने कहा कि हमने एक उपाय खोजा है, अगर आप कहे तो मैं आपको वो उपाय बता दूं। तो शेर ने कहा, क्या कहा कि पहले बंदर ने क्या कहा था कि भाई हमारा जंगल है उसमें बहुत से जानवर अभी कम होते जा रहे हैं। तो शेर ने क्या कहा, इसमें मैं क्या करूं, अगर मैं नहीं मारूंगा तो मेरा पेट कैसे भरूंगा। फिर हाथी ने कहा कि महाराज, हे वन के स्वामी महाराज, हमने एक उपाय खोजा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको वो उपाय बताऊं। तो शेर ने तो कहा कि तुम्हें बताना हो तो बताओ, पर मेरे बारे में, मेरी भलाई के बारे में सोच के ही कुछ कहना। और सभी तो डर गए थे, फिर भी बंदर ने हिम्मत दिखा के कहा कि महाराज, हे वंदे स्वामी, हम लोग प्रतिदिन आपके पास एक जानवर आ जाएगा और आप उसको मारकर अपनी भूख मिटा लेना। तो शेर तो मन में बहुत खुश हो गया और उसने तो हाँ कह दी और कहा कि अगर कोई देर से आया तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो सभी जानवर तो ऐसी सारी बातें डिसाइड करके चले गए। फिर शेर था तो मन में बहुत खुश हुआ और वो तो सोचने लगा कि अच्छा है, अब तो मुझे गुफा के बाहर ही नहीं जाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और शेर को तो गुफा में ही बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। ये बात सोचकर वो तो बहुत खुश हो रहा था। फिर क्या हुआ, एक दिन खरगोश की बारी आई और खरगोश को तो बहुत डर लग रहा था। खरगोश तो कैसा होता है, एकदम डरपोक होता है। तो वो तो डरता डरता एकदम धीरे धीरे जा रहा था और वहां तो शेर को बहुत भूख लगी थी और शेर तो भूख के मारे तड़प रहा था। और फिर खरगोश आया और खरगोश के ऊपर तो वो चिल्लाया, शेर एकदम गुस्सा हो गया और कहा कि एक तो तू इतना सा छोटा था और तुझको मार के मेरी भूख भी मिटेगी नहीं और तू देर से भी आया है। तो फिर शेर ने गुस्से में कहा कि तू देर से आया है इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारे जानवरों को मार दूंगा। फिर खरगोश ने तो अपनी बुद्धि का उपयोग किया और कहा कि महाराज, पहले मेरी आप बात सुनिए, मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था और उसने मुझे रोक लिया था। और शेर ने कहा, कौन है वो दुष्ट शेर, कौन है जो हमारे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है। शेर ने तो खरगोश को ऐसा कहा और उसने कहा कि महाराज, आप उस दुष्ट शेर के पास मत जाना। तो शेर ने कहा कि पहले मैं उस दुष्ट शेर को मारूंगा और फिर मैं तुझे खाऊंगा। और फिर खरगोश था वो तो शेर को ले गया, कहाँ ले गया था, कुएं के पास, कहाँ ले गया, कुएं के पास। और कुएं के पास जाकर उसने कहा कि उसी में वो यह शेर रहे। तो शेर ने तो क्या कहा, उसमें देखा तो शेर को क्या दिखाई दिया, उसी की परछाई। पर शेर ने तो क्या समझा कि वो तो सच में दूसरा शेर है और वो तो जोर से गरजा और उसको बोला कि अभी मैं तुम्हारा काम तमाम करता हूँ, यानी कि तुम्हें मार देता हूँ। और वैसा बोलते बोलते वो तो कुएं के अंदर कूद गया। फिर
कूदने से शेर का तो क्या हुआ, शेर तो पानी में मर गया क्योंकि कुएं से बाहर वो निकल सकता नहीं है। और सारी बातें सभी जानवरों को भी पता चली और सभी ने खरगोश की प्रशंसा की। और जिराफ ने तो क्या कहा कि मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, राइट। और सभी हाथी और सभी तो क्या करने लगे, खरगोश महाराज की जय हो, खरगोश महाराज की जय हो, ऐसा सभी ने करने लगा ना। क्योंकि खरगोश ने क्या किया था, वो तो था इतना सा छोटा सा, पर उसने क्या किया, अपनी बुद्धि का उपयोग किया। हमें क्या करना चाहिए, संकट के समय अगर कोई मुश्किल ही है तो हमें उस समय पर हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, राइट। अगर हम हमारी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो कोई भी प्रश्न है हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट अभी हम हमारे क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। सबसे पहले करेंगे आज हम हमारी अंकुर पाठमाला, यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक में जो सारे ऑब्जेक्टिव पार्ट थे वो हमें आज करने हैं, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, सही क्रम संख्या लिखो, ओके। तो हमें स्टोरी तो पता ही है कि स्टोरी हमने पूरी देख ली है, सुन ली है और समझ ली है, तो हमें तो पता ही है कि सबसे पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ था, राइट। तो मैं आपको ये हमारी अंकुर पाठमाला का पूरा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसका एक वीडियो दिखाऊंगी और उस वीडियो में सारे आंसर होंगे जो आप लोगों को उसमें से देखना है और फिर लिखना है। देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, शेर ने कुएं में झांक कर देखा, सभी जानवर शेर के पास गए, खरगोश शेर के पास देर से पहुंचा, शेर की मृत्यु से सभी जानवर खुश हुए, सभी जानवर शेर से भयभीत रहते थे, शेर कुएं में गिरकर मर गया। ये सारे सेंटेंस है उन्हें हमें सही क्रम में लिखना है, राइट। वो हम हमारे वीडियो में देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 22 पर भाषा संसार, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ो और अर्थ जानो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पहले हमें रीड करना है फिर हमें समझना है उसका अर्थ। प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, हर दिन, क्या होता है, हर दिन, हर एक दिन, ओके, एवरीडे। ऐसी ही अन्य शब्द है, देखो ऐसे अन्य शब्द भी बनते हैं, जैसे कि देखो हमें दिया है प्रतिदिन यानी कि हर दिन, प्रति सप्ताह यानी कि हर सप्ताह, प्रति माह यानी कि हर महीना, और प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, प्रति सप्ताह यानी कि हर सप्ताह, प्रति माह यानी कि प्रति हर महीना, और प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष, ओके। तो ये सारे वर्ड, प्रति यानी कि हर दिन की बात है ना, हर रोज की। वैसे उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2, स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखो। तो देखो एक तो होता है पुलिंग और एक होता है स्त्रीलिंग, राइट। तो पुलिंग यानी कि मेल पर्सन, बॉय, जेंट्स, वो सब पुलिंग में आता है, और स्त्रीलिंग में आता है लेडीज, फीमेल, राइट, वो होता है स्त्रीलिंग वर्ड। देखो पुलिंग होता है स्त्रीलिंग में, सारे वर्ड के पीछे नी शब्द ई लगेगा, क्या लगेगा, ई। स्त्रीलिंग शब्द की एक पहचान ये है कि स्त्रीलिंग शब्द हमें अगर ढूंढना है तो हमें उसके पीछे ई वर्ड लगेगा, ई वर्ड सुनाई देगा। देखो हमें एग्जांपल दिया है शेर, तो शेरनी, पीछे क्या आया, ई आया, शेर तो शेरनी, पीछे ई वर्ड आपको प्रोनाउंस सुनाई दे रहा है। तो स्त्रीलिंग वर्ड की एक खासियत है कि उसके पीछे के वर्ड में हमेशा ई पाया जाता है। हाथी तो हाथीनी, बिलाव तो बिल्ली, बकरा तो बकरी, ऊंट तो ऊंटनी, बाघ तो बाघिन, नाग तो नागिन, ओके, इन,
ई या इन, इन भी उसमें आता है, बाघिन, नागिन, ई और इन, राइट। घोड़ा तो घोड़ी, राइट। तो ये भी हम उसके आंसर भी हम हमारे वीडियो में देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द आपको समझ में आए? तो डन, हमने हमारे स्त्रीलिंग शब्द देख लिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। खाना, पीना, नहाना, खेलना, होना, रहना, था, है, ये सब क्रिया शब्द है। वाक्यों को पढ़कर क्रिया शब्द को रेखांकित करो और लिखो। हमें क्या करना है कि देखो, खाना, पीना, हम कोई भी कार्य करते हैं, क्रिया शब्द यानी कि क्या, सबसे पहले तो क्रिया यानी कि क्या, तो क्रिया यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो कोई हम वर्क करते हैं उसको कहते हैं क्रिया, ओके। और उस क्रिया के, जैसे कि हम दौड़ते हैं तो दौड़ना, खाते हैं तो खाना, हम कुछ पीते हैं तो पीना, तो वो हम क्या करते हैं, हम क्रिया करते हैं। हम खाने की क्रिया करते हैं, दौड़ने की क्रिया करते हैं, हम हंसने की क्रिया करते हैं, हम रोने की क्रिया करते हैं, तो ये सब क्या हुई, हमारी क्रिया। और हम हमारे सेंटेंस में उस वर्ड को यूज करते हैं कि हम, मैं आज दौड़ रही हूँ तो दौड़ने की क्रिया कर रही हूँ, ओके। हंसना तो हंसने की क्रिया, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं वो होते हैं क्रिया शब्द। देखो हमें दिए ही है, खाना, पीना, नहाना, ओके, और उसका सारे सेंटेंस दिए, उस सेंटेंस को हमको देखना है और उसमें से क्रिया शब्द क्या है वो हमें ढूंढ के उसके नीचे लाइन करनी है और फिर हम सामने वो ब्लैंक्स में वो हमें लिखने हैं। हम वो हमारे वीडियो में भी ये देखेंगे कि किसी जंगल में एक शेर रहता था, तो शेर क्या था, रहता था, यानी कि रहने की क्रिया हुई, राइट। तो ऐसे सारे सेंटेंस है, ये सारे हम हमारे वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट चलो अब हम हमारा वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हमने हमारे ये जो सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके सारे आंसर उसमें है, डन। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट अब हमारी हिंदी स्टैंडर्ड 3 हमारी अंकुर पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक, ओके, वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बुद्धि ही बल है, पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 4, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सही क्रम संख्या लिखे। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, ये फर्स्ट नंबर देखो मैंने लास्ट सेकंड वाला दिया है, फर्स्ट नंबर, सभी जानवर शेर से भयभीत रहते थे। सेकंड वाला क्या आएगा, सभी जानवर शेर के पास गए। थर्ड, खरगोश शेर के पास देर से पहुंचा। फोर्थ, शेर ने कुएं में झांक कर देखा। फिफ्थ, शेर कुएं में गिरकर मर गया। और सिक्स वाला, शेर की मृत्यु से सभी जानवर खुश हुए, राइट। तो देखो इसी तरीके आप लोगों को भी इस ब्रैकेट में आप लोगों को हमारा जो बॉक्स दिया है हमें टेक्स्ट बुक में, उसमें आप लोगों को ये सारे नंबर लिखने हैं, 4, 2, 3, 6, 1 और 5, डन। देखो मैंने इसको लाइन में भी लिखा है कि लाइन में पूरी स्टोरी कैसे बनेगी वो आपको एक बार रीड करना है, ओके। सही उत्तर यानी कि सही उत्तर, ओके। फर्स्ट, सभी जानवर शेर से भयभीत रहते थे। सभी जानवर शेर के पास गए। खरगोश शेर के पास देर से पहुंचा। शेर ने कुएं में झांककर देखा। शेर कुएं में गिरकर मर गया। और शेर की मृत्यु से सभी जानवर खुश हुए। नाउ अभी भाषा संसार में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, पढ़ो और अर्थ जानो। प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन। देखो ऐसा होता है ना, प्रतिदिन यानी कि हर रोज की बात हम करते हैं, हर बार कोई शब्द हमें यूज करना है कि ऐसा हर बार होता है, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष। तो प्रति का मतलब हर, हर सप्ताह, हर महीना और हर वर्ष, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन 1। अभी नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखो। स्त्रीलिंग शब्द चुनकर
लिखो देखो, शेर का क्या होगा? शेरनी। क्या होगा? शेर का शेरनी। और फिर हाथी का हथनी। क्या होगा? हथिनी। क्या होगा? हथिनी। की बिलाव का बिल्ली। बिलाव का बिल्ली। बकरा बकरी। ऊट ऊटनी। बाघ बाघिन। नाग नागिन। और घोड़ा घोड़ी। तो देखो ये सारे जो शब्दार्थ है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्त्रीलिंग शब्द में पीछे ई या इन लगता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उस शब्द को सेंटेंस में। देखो शेर आया, शेरनी आया हमेशा कह सकते नहीं है, शेरनी आया कह सकते हैं नहीं, शेरनी आई। तो हमने क्या लगाया? ई। तो वो क्या हुआ? स्त्रीलिंग रूप। हाथी आया तो वो हुआ पुल्लिंग। हथनी आई तो हम उसको क्या होगा? स्त्रीलिंग। ओके, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे, राइट? तो आपको उसका सही आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। खाना पीना नहाना खेलना होना रहना था है, ये सब क्या है? क्रिया शब्द। हमने ऑलरेडी बोर्ड में देख लिए, जो क्रिया हम करते हैं उसको कहते हैं क्रिया शब्द। हंसना रोना रहना। ओके, फर्स्ट देखो, किसी जंगल में एक शेर रहता था, यानी कि रहने की क्रिया है, तो उसका क्रिया शब्द क्या होगा? रहता था। सेकंड है, हे भगवान अब तू ही राह दिखा। रह नहीं, ओके सॉरी, राह दिखा। हे भगवान अब तू ही राह दिखा, यानी कि यहाँ पर दिखाने की बात हो रही है। कौन सी क्रिया? दिखाने की। तो उसका आंसर क्या होगा? दिखा। थर्ड, खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा। वहां पर कौन सी क्रिया है? पहुंचने की। कौन सी क्रिया है? पहुंचने की, इसलिए वहां पर होगा पहुंचा। उसके बाद है, शेर कुएं में कूद पड़ा, तो उसमें कौन सी क्रिया हुई? कूदने की क्रिया। तो इसलिए इसका रेखांकित शब्द क्या होगा? कूद पड़ा। फिर है, सभी जानवर बहुत खुश हुए, तो उसमें कौन सी क्रिया हुई? खुश होने की। कौन सी क्रिया हुई? खुश होने की। ओके, तो उसमें कौन सा वर्ड आएगा? खुश हुए। रहता था, दिखा, पहुंचा, कूद पड़ा और खुश हुए, राइट? अभी हमारा जो सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां है उसमें क्या कहा है? मांस खाने वालों को मांसाहारी और घास पत्ता खाने वालों को शाकाहारी कहते हैं। वो हमें भी पता है, जो भी जानवर है वो मांस खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं, और जो घास पत्ता फ्लावर सॉरी फल वो सब कुछ खाते हैं उसको कहते हैं शाकाहारी। यहाँ कुछ पशुओं के चित्र दिए गए हैं। शाकाहारी पशुओं के सामने हरे रंग का और मांसाहारी के सामने लाल रंग का निशान लगाओ। तो देखो, मैंने जो मांसाहारी है उसमें राइट बॉल पेन से मैंने लाल बॉल पेन से मैंने राइट कर दिया है। शेर होता है वो कैसा होता है? मांसाहारी। फिर हिरन होता है वो कैसा होता है? शाकाहारी। ओके, उसमें ग्रीन करना है आप लोगों को। फिर ये क्या है? यस फॉक्स है। ओके, यस यार, तो उसको उसमें आप लोगों को ग्रीन करना है। ओके, वो कभी कई बार मांस भी खाता है। फिर है हाथी, तो वो तो घास और पत्ते ही खाता है, तो उसमें क्या आएगा? केला फूल फल खाता है। ओके, तो उसमें ग्रीन। फिर है बाघ, तो बाघ भी रेड उसमें मांस खाता है। फिर है बकरी, तो बकरी घास खाती है तो उसमें ग्रीन। फिर है चीता, तो चीता मांस खाता है तो उसमें रेड किया है। और जिराफ, तो जिराफ तो घास पत्ते वो सब कुछ खाता है, राइट? तो ये थे हमारे सारे टेक्स्ट बुक, यानी कि हमारी अंकुर पाठमाला टेक्स्ट बुक यहाँ पर कंप्लीट होती है। देखो, हमारे टेक्स्ट बुक में हमें ये सब कुछ लिख लेना है, डन। ओके, फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे और हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, डन। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, तो आपको इस वीडियो में जो मैंने आंसर लिखे हैं वो सारे आंसर आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे हैंडराइटिंग से लिखने हैं। ओके, तो हमारी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 और 22।
कंप्लीट हो जाएगा और वो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में लेंगे, क्वेश्चन आंसर और हमारी अभ्यास पुस्तिका, राइट, यानी कि हमारी वर्कबुक, ये दो दोनों है हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे हमारी एग्जाम के बाद। ये सारा ग्रामर है आपको एग्जाम में भी आएगा, तो इसलिए आप लोगों को अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना है और लर्न भी करना है, रीड भी करना है। डन, तो हम नेक्स्ट सेशन में अब मिलेंगे। ओके बाय।